हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों मैंने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही फ्रॉन्क्स के बारे में कोई न्यूज़ आती है तो आप तक तुरंत पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि फ्रॉन्क्स डीलर्स के पास पहुंचने लगी है और इसी बीच डीलर यार्ड पर पहुंचने के दौरान ही ये फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरियंट स्पॉट हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था वैल्यू फॉर मनी वेरियंट के ऊपर, तो उसमें मैंने डेल्टा प्लस वेरिएंट को मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बताया था। तो इस गाड़ी को आप अपने सामने देख सकते हैं, ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है। इसकी पहचान कैसे हो रही है थोड़ा इसको समझते हैं। तो आपको बता दूं कि इस वेरिएंट में रियर वाइपर और वॉशर नहीं मिलता है। आप देख सकते हैं रियर वाइपर और वॉशर इसमें नहीं दिया गया है, जबकि इसमें आप नीचे देखें तो एलॉय व्हील दिए गए हैं, वो भी पेंटेड, जो कि आप देख सकते हैं अपने सामने इस वेरिएंट में मिलते हैं। तो सबसे बड़ी पहचान यही है डेल्टा प्लस वेरिएंट कि आपको एलॉय व्हील पेंटेड तो मिल जाते हैं लेकिन वाइपर और बॉसर नहीं मिलता है, तो ये होगी पहचान। दोस्तों अगर इस वेरिएंट में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इस गाड़ी के केवल इसी वेरिएंट में ही आपको डेल्टा प्लस में 1.2 लीटर और 1 लीटर टर्बो इंजन, ये दोनों इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं इसमें। अगर यहाँ 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन की बात करें तो यह आपको मैनुअली और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिल जाता है, जबकि जो 1 लीटर का टर्बो इंजन इसमें दिया गया है वो केवल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। तो यदि आपको इसका टर्बो में ऑटो शिफ्टिंग ट्रांसमिशन चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं, तब आपको इसके ऊपर वाले वेरियंट में जाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे मैन फीचर्स को जान लेते हैं जो इसमें नहीं मिलते हैं। तो सेफ्टी में इसमें साइड और कर्टन एयरबैग नहीं मिलते हैं, केवल डुअल एयरबैग इसमें मिलते हैं डेल्टा प्लस में। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, हेड्सअप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स भी इसमें नहीं मिलते हैं। ये केवल इस गाड़ी के टॉप मॉडल में ही मिलते हैं। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको रियर कैमरा भी नहीं मिलता है, तो ये भी आपको बाहर से ही डलवाना पड़ेगा। बाकी आपको 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, स्टेयरिंग इसमें टिल्ट दी गई है, टेलीस्कोप नहीं मिलती है, इंजन स्टार्ट पुश बटन इसमें नहीं मिलता है, ड्राइवर सीट आपकी जो है हाइट एडजस्टेबल नहीं है, फ्रंट आर्मरेस्ट में इसमें भी नहीं दिया गया है, रियर एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। इसके अलावा यूवी कट विंडो ग्लासेस भी इसमें नहीं मिलते हैं, ये केवल टॉप वेरिएंट में ही मिलते हैं। इसके अलावा सुजुकी कनेक्ट आपको डेल्टा प्लस वेरिएंट में नहीं मिलता है। तो ये कुछ फीचर्स थे जो इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं। अरे यार थोड़ा रुकें भाई, मुझे पता है कि यहाँ एक क्या चीज़ मुझसे मिस हो गई है, अगर मैं उसके बारे में नहीं बताऊँगा तो आप लोग मुझे बहुत सुनाने वाले हैं। तो बता दूँ आपको, इस वेरिएंट में कनेक्टेड एलईडी रियर लाइट नहीं मिलती है। ये एक प्रमुख फीचर्स में से एक है, इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन कंपनी को कम से कम डेल्टा प्लस वेरिएंट में से कनेक्टेड जो एलईडी लाइट दी गई पीछे वो देना चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये कुछ फीचर्स थे जो डेल्टा प्लस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, बाकी और फीचर्स इसमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि डेल्टा प्लस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं तो ऊपर आई बटन पर आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें सभी फीचर्स के बारे में डिटेल्स में मैंने बताया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट में फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यही कहूँगा कि गाड़ी डीलर यार्ड में आने लगी है, उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द कंपनी इसके प्राइस भी रिवील कर दे। तो दोस्तों तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगा हो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।